वॉचिंग फेनोमिनलिटीज़। तो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप दानिश जैन के जैसे वॉल एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ओके तो गाइस चले शुरू करते हैं। तो पहले हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को खोल लेंगे, फिर हम जाएंगे एडिट पे, फिर हम ले लेंगे अपनी बैकग्राउंड को और कर जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद हम जाएंगे क्रॉप्स में और हम इसे इतना सा कर लेंगे क्रॉप, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में। तो मैंने अपनी फ़ोटो को पहले से ही कट करके रखा है, आप इसे सही से लगा देना। आप इसे इस तरह सही से लगा देना। और फिर इसके बाद हम चल जाएंगे ब्लेंड के ऑप्शन पे। ब्लेंड पे ऑप्शन के बाद जाने के बाद हम जाएंगे ओवरले पे। ओवरले जाने के बाद हम कर देंगे इसे डन। फिर हम जाएंगे टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद हम जाएंगे एडजस्ट पे। क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन कुछ नहीं करना है, और हाइलाइट्स को कम कर देना है आपको थोड़ा सा। शेडोज़ को भी आपको कम कर देना है और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ये कर देना है डन। उसके बाद हम अपनी दूसरी फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। इसको भी मैंने कट करके रखा हुआ है। फिर हम इसे कुछ इस तरह से ऐड कर लेंगे, फिर हम कर देंगे डन। ऐड करने के बाद हम जाएंगे फिर ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद हम अपने ब्रश को कर लेंगे इतने से साइज, और आपको अपोसिटी कर देनी है 54, और आपको ये वाला ब्रश ही लेना है। कर देंगे सेट। हम इसके अब शेडोज़ डालेंगे इसके साइड, आपको सभी साइड में इस तरह से कर देना है। आपको कैसे ध्यान से करना होगा। तो गाइस अब ये हो गया, तो हम जाएंगे इसके ऑप्शन पे, और इस पे जाने के बाद हम कर देंगे ओपेसिटी को 21, और आप देख सकते हैं अभी शेडोज बन गए हैं। फिर हम कर देंगे डन। फिर हम इस इमेज को कर देंगे सेव। फिर हम चल जाएंगे गैलरी में। और इस इमेज को कर लेंगे हम शेयर लाइट रूम में। लाइट रूम को बाद में हम ओपन कर लेंगे। सॉरी गाइस, लाइट रूम में आ जाने के बाद हम जाएंगे इस लाइट के ऑप्शन पे, और एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स को भी कम करेंगे, शेडोज को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और वाइट्स को भी बढ़ा देंगे, ब्लैक्स को हम कम कर देंगे। ये हो जाने के बाद जाएंगे इस ऑप्शन पे, फिर हम जाएंगे क्रिएटिव कॉन्ट्रास्ट पे। जाने के बाद हमें जाना है आर्टिस्टिक फाइव पे। आर्टिस्टिक फाइव पे आप आ जाएंगे तो आपको इसके
थोड़ा सा कम कर देना है, आपको लगता है ऐसे 58, फिर से कर देना है डन। डन करने के बाद हम जाएंगे इस कलर के ऑप्शन पे, आ जाने के बाद हम टेम्परेचर को कर देंगे थोड़ा सा कम और टिंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इस तरीके से था और अभी ये इस तरीके से हो गया, तो आप भी इसी तरह कर लेना। तो फिर ये हो जाने के बाद हम कर लेंगे अपनी फ़ोटो को सेव टू डिवाइस में। सेव टू डिवाइस में होने के बाद हम जाएंगे हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी, इसमें करने के बाद कर देंगे ओके, तो फिर ये इमेज सेव हो जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।